gentlemen, it is my proud privilege to propose the vote of Speaker on this occasion of conscientious legal enrollment drive function. चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुलगाम जून, एजुकेशन ऑफिसर साहब साहब और जूनियर एजुकेशन ऑफिसर मोहर मोहम्मद इकबाल साहब जियाज अशारी मैं पढ़ते हो कभी कभार आपने प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है? कभी नहीं देखा है कभी प्राइवेट स्कूल कहीं पर? नहीं देखा। तो आपको क्या लग रहा है जिस तरह आप पढ़ते हो गवर्नमेंट स्कूल में वह सही तालीम है? जुबान से भी बोलो। इंजीनियरिंग वकालत डॉक्टरी और मुख्तलिफ जदीद उलूम हासिल करना आज के दौर का लाज़मी तकाज़ा है। जदीद उलूम तो जरूरी ही है, इसके साथ साथ दीनी तालीम की भी अहमियत अपनी जगह क्योंकि पहले मैं अपनी से मैं भी चाहती हूँ कि मेरा बच्चा अच्छी कंफर्टेबल रहे स्कूल में। तो ये भी आज ग्लोबलाइजेशन है, आज गांव और शहर एक जैसा है, आज हर कोई वालदीन चाहता है कि मेरा बच्चा दिन में स्कूल में कंफर्टेबल रहे। तो टाइनी टॉट को चाहिए, टाइनी टॉट्स को एटलीस्ट ये फर्नीचर। मैडम एक क्वेश्चन है, और जिस तरह यहाँ पे आपके 20 साल हो चुके हैं इस डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट में आप काम करते आए 20 साल हो चुके, लेकिन इन 20 सालों में आपने क्या हासिल किया है? क्या अब आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट अब आ चुके है उस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे एडमिशन ज्यादा होगा अब गवर्नमेंट स्कूलों में? इससे पहले तो नहीं आ रहा थे, पेरेंट रिजेक्ट कर रहे थे गवर्नमेंट स्कूलों को और दे विल एक्सेप्ट द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। क्या अब मैंने मेरा 20 साल का तजुर्बा रहा है गवर्नमेंट गवर्नमेंट सिलेबस एटसेट्रा, इट वाज एन ओल्ड ट्रेडिशन, टाइम हैज चेंज्ड, टुडे गवर्नमेंट इक्विपर विद मॉडर्न टेक्निकल रिक्वेस्ट माइक संभाल देयर चिल्ड्रन सुकून और रेस्ट का दोस्त तो बलसमो इसी दो दैत्र को साठ हाल अंदर गाश तारक बनो दोस्त तो बलसमो इसी दो। क्या वहाँ बच्चे उस हिसाब से परफॉर्म कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। अगर हम देखेंगे जो हाईएस्ट एग्जामिनेशन है, जो आईएएस का एग्जामिनेशन है, पिछले साल जीबू में एक गांव है यहाँ सागाम के नज़दीक कोकरनाग में, वहाँ एक मतलब आम बच्चे ने आईएएस क्वालिफाई किया, उसने गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ा था, वो एसटी कम्युनिटी से लाल हो रखा था। इसी तरीके से दूसरा हमारे यहाँ कुंड का एक लड़का है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है और अभी उसने ये रेवेन्यू सर्विस का आईआरएस एग्जामिनेशन इन मतलब ऑल इंडिया, ये हाईएस्ट एग्जामिनेशन है जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे पास कर रहे हैं। अभी अगर हम देखेंगे पिछले साल यहाँ बानीमला में पिछले साल मैट्रिक में हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे नहीं पोजीशन लाई है। अगर मौसमी जी की बात करें, यहाँ बहुत सारे देखो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, यहाँ केएस अफसर्स हैं, बहुत सारे
उनका नंबर बहुत है, वो भी इसी को नहीं, उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है। बस ये बदकिस्मती है कि आवाम से मेरी यही गुजारिश है कि वो इन स्कूलों को ओन करें, ये कहेंगे कि अपने स्कूल है, जब ये कहेंगे ये अपने स्कूल है फिर सिस्टम ठीक चलेगा, जब तक ओन नहीं करेंगे आवाम स्कूलों को तब तक तो खून नहीं चलेगा। सर ये बात तो सच है कि बहुत सारे जो आप कह रहे हो कि स्टूडेंट्स आ निकले हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, तो वो अब है अहदों तक पहुंच चुके हैं, लेकिन मामला ये है कहां पर फॉल्ट है, जो टीचर्स हैं उनके, जो स्टूडेंट जो उनके बच्चे हैं, वो तो पूरी तरह से 100% जो ड्राइव आप चला रहे हो कि 100% होनी चाहिए कि गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों की जो तैनाती है एडमिशन होना चाहिए, लेकिन वो तो नहीं हो पाएगा तब तक मेरे ख्याल में, क्योंकि अब बहुत सारी बहस अब हो रही है हर किसी मीडिया चैनल में, ये बहस हो रही है कि जब तक टीचर्स के अपने बच्चे नहीं होंगे गवर्नमेंट स्कूलों में, तब तक कैसे भरोसा किया जाएगा टीचर्स का ये सेक्टर, जो गवर्नमेंट का ये एजुकेशन सेक्टर है, ये सही तरह से चलेगा। नहीं, मैंने कहा ना, हम उनको रिक्वेस्ट ही करेंगे, गुजारिश ही करेंगे अगर गवर्नमेंट इसमें अगर आर्डर निकालेगा, मगर आर्डर तो हम नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत हम किसी भी फर्द को बाइंड नहीं करेंगे कि हम ये मतलब उसको कहेंगे बच्चे को आप यहाँ डालो या वहाँ डालो, तो हम गुजारिश ही करेंगे। और हमने मतलब सीओ साहब ने भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं टीचर्स को, जहाँ जहाँ पर वो जाते हैं वो कहते हैं कि आप अपने बच्चे को पहले लाओ, पहले अपने सिस्टम पर भरोसा करो, जो आपका सिस्टम बना है एजुकेशन सिस्टम, जब उसको अपने सिस्टम पर ही भरोसा नहीं है फिर क्या पढ़ाएगा, तो पहले उसको अपने ही स्कूल पर भरोसा होना चाहिए, अपने सिस्टम पर भरोसा होना चाहिए, जब उसको भरोसा है तो फिर वो सीधे अपने बच्चे को लाया। वो ट्रेंड बदली है, आप देखो जितने भी हमने एनरोलमेंट ड्राइव की है बहुत सारे बच्चे जो है टीचर्स के उन्होंने अपने गवर्नमेंट स्कूलों में अपने एडमिट किए हैं, और इनशाला मार्च में आप देखोगे, जब आप देखोगे तो बहुत सारे बच्चे आए हैं और इनशाला आएंगे। एक बात है सर, जब हमने कहीं ग्राउंड लेवल पर देखने की कोशिश की, खासकर स्कूलों में जो गवर्नमेंट टीचर्स ने जो एसटी में हाथ होते हैं ज्यादातर, उन लोगों ने बच्चे तो गवर्नमेंट स्कूल में दर्ज किए मगर एजुकेशन की प्राइवेट सेक्टर में हो रही है, क्या इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है? ये तो मतलब टोटली अगर वो गवर्नमेंट में एनरोल हैं और गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज हैं उनसे फायदा उठाते हैं तो फिर हर सूरत में उनको मतलब गवर्नमेंट स्कूलों में ही रहना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अगर ऐसा है तो इसमें कानूनी कार्रवाई ज़रूर हो जाएगी, हम देखेंगे कहां पर फॉल्ट है क्या है। तो और भी एक बदकिस्मती कि पिछले 2-4 साल से जो जोन कुलगाम था ये जोन एजुकेशन अफसर ये बगैर था, तो अब भाई साहब